हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजॉटॉप ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली ब्रेजा भी ब्लैक एडिशन में लॉन्च हो चुकी है। आप यहां पे देख पा रहे हो, यह है ZXI वेरिएंट, जो कि ZXI वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। और इसकी प्राइसिंग आप यहां पे स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, काफी शानदार यहां पे लग रही है ब्लैक एडिशन में। और ये रहा दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो ड्यूल आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर यहां पे दिया गया है और फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह ग्रे फिनिश में और क्रोम फिनिश में, बीच में सुजुकी का लोगो। और नीचे फॉग लैंप हाउसिंग दिया गया है, जिसमें फॉग लैंप आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट बम्पर पे ब्लैक क्लैडिंग दिया गया है, नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहां पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है। स्किड प्लेट भी अगर ब्लैक कलर में होता तो काफी शानदार लगता है। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, काफी ब्रॉड कुछ इस तरह, काफी जबरदस्त इसका लुक साइड प्रोफाइल से। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट एंड रियर में टोर्जन बीम दिया गया है। और मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो डायमेंशन है, चेकआउट कीजिएगा स्क्रीन पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। वही ब्रेजा ZXI वेरिएंट में आपको मिलते हैं ब्लैक अलॉय व्हील, वो भी 16 इंच के, और व्हील साइज है 215/60R16। और यहाँ पे MRF के टायर प्रोवाइड किया गया है। व्हील आर्च काफी ब्रॉड। ORBM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में दिया गया, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में वाइपर और यहाँ पे सिल्वर फिनिश में रूफ रेल दिया गया है, सनरूफ मिल जाते हैं आपको। और इसके साइड प्रोफाइल में ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में, और बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट, क्वार्टर ग्लास जो है काफी ब्रॉड दिया गया है, जो कि इसको फ्लोटिंग रूप डिजाइन दे देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिया गया है साकफिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डीफॉगर एंड रियर वाइपर भी मिलते हैं आपको। बहुत ही यूनिक डिजाइन में एलईडी टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट के सेंटर में ब्रेजा की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टेल गेट के सेंटर में दिया गया है नंबर प्लेट की जगह। रियर बम्पर पे बॉडी क्लैडिंग रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ, और ऊपर नंबर प्लेट की ठीक ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, जैसे कि नजदीक से मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ इस तरह। और रिवर्स पार्किंग सेंसर स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूंगा, कीलेस एंट्री दिया गया है और कुछ इस तरह का ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट, ब्लैक सैटिन सिल्वर फिनिश और ब्राउन फिनिश में कुछ इस तरह, काफी शानदार, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए राइट साइड से भी चेकआउट कर लेते हैं। यहां पे आपको कीलेस एंट्री दिया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, नीचे 1 लीटर का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर दिया गया है। फ्रंट में 2 ट्विटर्स दिए गए हैं दोनों डोर्स पे। डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा राइट साइड से भी, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके, काफी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं, एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर, नीचे डेट पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको प्रोवाइड किया गया इस वेरिएंट में। मैनुअली एडजस्टेड हाइट एडजस्टेड ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, काफी अच्छी खासी कंफर्ट। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है दोस्तों। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं सेंटर कंसोल की। तो आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, जो कि टॉप इन वेरिएंट में मिलता है कुछ इस तरह। स्टोरेज 2 का फोल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑल ब्लैक थीम, जस्ट इसके आगे मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, जस्ट इसके एडजस्टमेंट। और यहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। AC वेंट, फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का दिया गया है इस वेरिएंट में। टॉप इन वेरिएंट में 9 इंच का आता है। सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड ORBM मीटर, बीच में MID दिया गया है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है इस वेरिएंट में। और साथ में यहाँ पे फोन कॉल्स का बटन दिया गया है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स कुछ इस तरह यहाँ पे दिया गया है, जस्ट सफिशियंट जगह दिया गया है। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, 2 एयरबैग आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में। और को पैसेंजर साइड वेनिटी मिरर दिया गया है, और इसका जो लाइट है ऊपर आपको यहाँ पे स्विच ऑन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं जलता है दोस्तों कुछ इस तरह। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर में दिया गया है सनग्लास होल्डर, ट्विन कैबिन लाइट, वो भी हैलोजन बल्ब के साथ,
और बीच में दिया गया इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल, कुछ इस तरह काफी एयरी फील होता है इसका कैबिन। और राइट साइड आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। डे नाइट IRVM प्रोवाइड किया गया, कुछ इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, तो ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में, पावर विंडो के कंट्रोल, 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है। इसमें ट्विटर आपको रियर डोर पे नहीं मिलते हैं। और रियर सीट कंफर्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है दो, बीच में आर्मरेस्ट आपको 2 कप होल्डर के साथ मिल जाते हैं। और पार्सल ट्रे भी अवेलेबल कराया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट प्रोवाइड किया गया है, चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, वहीं लेगरूम हेडरूम काफी अच्छी खासी मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया है बूट गेट पे, और यहाँ पे आप पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया है, 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं रियर सीट को। और राइट साइड दिया गया है बूट लैम्प, ग्रोसरी हुक भी प्रोवाइड किया गया है। वहीं स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील टूल किट के साथ, कुछ इस तरह। बूट गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं, जिसे ग्रैब करके सेट कर सकते हैं आप। और इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 102 BHP की पावर एंड 137 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल। और जहां तक माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20 km/h की माइलेज, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRVM, प्रीटेस्टर एंड 4 सेंटीमीटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, टॉक असिस्ट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, सुजुकी टेक बॉडी, ड्यूल हॉर्न, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, डोर अजर वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों ब्रेजा ब्लैक एडिशन ZXi वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।